हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोग के? उम्मीद है सब बढ़िया हो गया आप लोग। आज मैंने इससे पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था अपना सेब वाला बगीचा, एप्पल गार्डन। तो आज मैं फिर से वहाँ पे आ चुका हूँ। आज जो है यहाँ पे बहुत प्रोसेस हो रखी है कुछ, तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले दिखाता हूँ आपको पानी का सोर्स। ये देखो, हॉज तो खाली हो चुका है, थोड़ा सा वहाँ से लीक कर जा रहे ना पानी, इसलिए तो डायरेक्ट जो पानी आ रहा था वहाँ से जो डायरेक्ट पानी लगाया था हमने, वो डायरेक्ट इस नल में आ रहा था। यहाँ से जो है पाइप के द्वारा डायरेक्ट नीचे ले गए पानी को। ये देखो, अखरोट, अखरोट का पेड़, वो भी अखरोट है। ये नीचे रहा बगीचा। पहले मैं नीचे जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको नाशपाती। ये देखो, इसमें नाशपाती हो भी रहे हैं, दिख भी रहे होंगे आपको, गोल मेव कहते हैं जैसे यहाँ पे। और ये रहा, ये देखो, इस मेन पाइप से अलग अलग कनेक्शन जा रखे हैं, इसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, यानी कि टपक सिंचाई योजना। इससे वर्षा लड़की का नाम नहीं यार, वर्षा यानी कि बारिश, जब बारिश होती है तो बारिश कैसे होती है, बूंद बूंद करके होती है ना, तो वैसे ही इस पे भी बूंद बूंद करके ज़मीन पे पानी गिरता है रहता है, लेकिन परमानेंट गिरता है, 24 घंटे गिरते रहता है पानी। तो उससे जो है वहाँ पे नमी बरकरार रहती है, बनी रहती है। ये देखो, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है। इसको क्लोज अप करना था, क्लोज कहाँ से हो गए? पहले मैं नीचे ही जाता हूँ। देखो, सेब के पेड़ हो रहे हैं अच्छे से, अच्छे किसी को पाइप दे रखे हैं। ये सब यहाँ पे जो है वो लगी, क्या कहते हैं, जाली। देखो कितने तो बड़े हो गए पेड़, पिछले दिन दिखाई थे वो कुछ नहीं हो रखे थे, आज बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। ये देखो, और जहाँ जहाँ पाइप है ना वहाँ वहाँ नमी है, देख लो। ये देखो, वो भी दिखाऊँ कैसे पानी निकलता है करके। ये देखो निकल रहे हैं, यहाँ पे भी देखो, बूंद बूंद करके निकल रहा है। ये लगातार ऐसे गिरते रहते हैं, लास्ट कोने तक गिरेगा जहाँ तक पाइप पहुँचता है। मेरे को करना था स्विच ऑन ऑफ करना था यहाँ से। ये देखो, ऑफ किया है ना, इन खेतों में अभी पानी नहीं जा रहा है, यहाँ से स्विच ऑन करना है मैंने। ये देखो, आया स्पीड में पानी, ठीक है, अब इनमें भी जाएगा। और एक और है नीचे स्विच, उसको भी ऑन करना है मैंने। एक और है, इसको भी ऑन करना है। ये लो, अब इसमें भी पानी चल गया, वहाँ लॉक कर रखा है, लास्ट लास्ट पाइप वहाँ पे लॉक कर रखा है, तो वहाँ से पानी कहीं नहीं जाएगा, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे फोर्स बनाए गए पानी, फोर्स बनाए गए तो सब जगह आराम से जाएगा पानी। अब वो नीचे आपको खेत दिखाएं, मैं दिखाऊँ आपको, ये सारे खेत, इनमें पहले तक गेहूं लगाते थे हम लोग, गेहूं धान लगाते थे, रुपाई करते थे। अब तो ऊपर से नीचे तक का सारे सारे बंजर हो चुके हैं, यहाँ ऊपर से नीचे तक के बहुत सारे खेत थे, सभी के खेत थे, तो वो सब अब बंजर हो चुके हैं। एक तो आसपास पूरा पूरा जंगल है ना, सूअर वूअर सब कुछ आ जाते हैं वहाँ पे, तो इतना कुछ हो नहीं पाता है, रखवाली नहीं हो पाती है, फसल को एकदम चौपट करके जाता है। तो उसके बाद क्या दिखाऊँ मैं आपको, दिखा दूँ मैं आपको एप्पल के पेड़ कितने बड़े बड़े हो गए हैं। लगभग सारे के सारे पेड़ों में हरे हरे पत्ते आ चुके हैं। देखो, टपक सिंचाई वो कह रहा था ना मैं, जैसे ही मैंने ऑन किया, ये देखो टपकने लग गया पानी। ये देखो, पाइप भर रहे तो नीचे झुकते जा रहे हैं पाइप। ये देखो, टपकने लग गया पानी। अब ये नमी बना देगा हर जगह पे अच्छे से। देखो, सारे पेड़ों में हरे पत्ते आ चुके हैं अच्छे से, सारे के सारे पेड़। लगभग 135 पेड़ लगाए थे हम लोगों ने, उसमें से कुछ 10-15 पेड़ सूख गए हैं, बाकी हो रखे हैं अच्छे खासे। देखो, बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप डाल रखे हैं, कितने लगभग ये होंगे आपके, तीन
3 या 4 इंच के लगभग हैं, ढाई, ये देखो 2.5 या 3 इंच के पाइप लगा रखे हैं पूरे, हर जगह अच्छे से लगा रखे हैं। ये देखो अब इनमें जो है जाली आएगी नीचे से इतनी हाइट तक का, जितना खम्भा है ना इस हाइट तक का जाली आएगी, जाली से जो है फिर इसके अंदर कोई भी बकरी या जानवर एकदम से आ नहीं पाएंगे। और ये देखो जो लॉक कर रखा है ना ऐसे कर रखा है लास्ट कोने पे, इससे जो है बिल्कुल पानी नहीं निकलेगा, ऐसे हर जगह पे कर रखा है। देखो यहाँ पे फिर से टपक रहा है पानी। अब मैं यहाँ से ऊपर को चलता हूँ, थोड़ा सा काफल खाता हूँ, फिर घर को चलते हैं। इस खेत में तो अच्छे से तरी हो चुकी है, अच्छे से पानी जा चुका है इन खेतों में। देखो ये वाला पेड़ जैसे सूख गया है, ये देखो सूख गया है अच्छे से, ये तो होने से रहा। ऐसे ही कुछ पेड़ सूख चुके हैं, बाकी तो सब हरे भरे हैं। वैसे 10 से 15 पेड़ सूखे हुए हैं बस, हो गया। ये देखो पूरी नमी हो रखी है ना अच्छे से, मज़ा आ गया। चलो अब हम भी यहाँ से चलते हैं और अब खाते हैं हम काफल। इस वाले पेड़ में तो कुछ हुए नहीं है, थोड़े बहुत हो रखे हैं बट वो मज़ा नहीं आ गया इस पेड़ में। दिखाऊँ आपको कितने छोटे छोटे हो रखे हैं, ये देखो ऐसे हो रखे हैं, अतकचे टाइप के हो रखे हैं, क्योंकि प्रॉपर धूप आनी बारी सब बारिश से बारिश आ जा रही, रोज ओले गिर जा रहे हैं, कहाँ से पकते हैं बेचारे, ऐसे हो रखे हैं। एक आधा और तोड़ो, हाँ यहाँ से ये देखो हुए तो हैं बट इतने मीठे नहीं हो रहे ना, क्योंकि बारिश नहीं हो पा रही, नहीं बारिश कह रहा हूँ धूप नहीं हो पा रही प्रॉपर, बारिश आ जा रही, ओले आ जा रहे हैं, सब वेस्ट हो जा रहे हैं, हुए तो हैं इसमें भी। तो चलो यहाँ से अभी चलते हैं, निकलते हैं, अब इस तरह से हुए जाएंगे। अभी हम वहाँ से होते हुए आए, अब यहाँ से होते हुए जाएंगे, एक आध पेड़ मिल जाएंगे काफल के तो थोड़ा बहुत खा लेंगे, मन तो नहीं होता खाने का बट थोड़ा सा खा लेंगे। देखो गोल में हो रहे हैं, हुए नहीं अभी, इनकी यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसे जंग बंदर और चिंपैंजी आते हैं, गुनी आते हैं, वो सब तोड़ फोड़ के वेस्ट कर जाते हैं, वही खाते हैं, उन्हीं के लिए होता है ये, बिकता ही नहीं है यहाँ पे, बिकेगा भी तो ज़्यादा ज़्यादा कितना बिकता है, लगभग 50 रुपये का 100 किलो, 50 रुपये का 1 क्विंटल ऐसे बिकते हैं। तो यहाँ से फिर रोड पे ले जाओ, रोड से कोई आएगा ले जाने के लिए, फिर वो वहाँ जाने तक कुछ मतलब कोई प्रॉफिट नाम का कोई कुछ नहीं होता, इससे अच्छा तो छोड़ो ऐसे ही सड़ पे जाते हैं। और प्लेन्स में, अब प्लेन्स में यही कितना महंगा जाता है कोई अगर लेके वहाँ ले जाके बेचे तो। चलो अभी चलता हूँ, आपको ऊपर दिखाऊँगा काफल का पेड़, थोड़ा सा काफल खाते हैं वहाँ से। नीचे से थोड़ा सा भी ऊपर नहीं आया मैं, यहाँ पे देखिए मुझे एक पेड़ अच्छा खासा इसमें लग रहा है मुझे, हुए हैं करके दिखाऊँ आपको, ये देखो लग रहा है इसमें मुझे हुए हैं करके, पेड़ में जाते हैं फिर दिखाते हैं, दिखाऊँ आपको, ये देखो ये हो रखे हैं काफल, हो तो रखे हैं इसमें थोड़े बहुत ही सही, हुए जरूर हैं वो। काफल खाने के बाद वो सामने रहा काफल का पेड़, वो खाने के बाद मैं जा रहा हूँ सीधे नीचे को, एक दोस्त आ गया है तो वो नीचे रुका हुआ है, तो वहाँ जाता हूँ फिर शायद कहीं आपको होम स्टे दिखाता हूँ, या इस ब्लॉग में या नेक्स्ट ब्लॉग में, दोनों में से किसी ब्लॉग में होम स्टे दिखाऊँगा मैं आपको।